आज हम ये सीखेंगे। अभी मुझे जो है फूल पसंद है, तो फूल के बारे में मैं 5 वाक्य लिखूंगी। फूल से माला बनाई जाती है, ठीक है। उसी तरह से फूल से फूल गुच्छा बनाते हैं, यानी कि गुलदस्ता बनाते हैं। फूल से बगीचा सुंदर दिखने लगता है, और फूल बालों में सजाया जाता है। और एक सेंटेंस है, फूलों को भगवान को चढ़ाया जाता है। इस तरीके से 5 जो सेंटेंस है आपको बनाने हैं। जैसे कि मैं अभी आपको 5 वर्ड्स दूंगी, उदाहरण के लिए घर, है? 5 वाक्य बनाए, ठीक है। घर दूसरा वाला जो है पिताजी, दूसरा वाला जो है पिताजी, तीसरा है किताब, चौथा जो है उपवन, पांचवा जो है वो है सूरज, छठा जो है छठा वाला जो है कपड़े। इनमें से आपको किसी 3 के बारे में लिखना है, या तो घर उपवन कपड़े लिख सकते हैं, या तो घर किताब सूरज लिख सकते हैं, या तो पिताजी उपवन कपड़े लिख सकते हैं। किसी 3 को लिखना है, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे लिखना है करके, पूरा आपको लिखना है। और आगे क्या करना है आपको, जो आपको पसंद है ड्राइंग, उसको आपको बनाना है और उसे कलर करना है। और इसके जो जो आप चित्र बनाते हो, समझिए कि आप एक पर्यावरण का चित्र बना रहे हो, जैसे कि पेड़ पौधे, गार्डन, गार्डन में फूल बगीचा, फूलों फूलों की कलियाँ, और फूलों के गुलदस्ते के गमला, और जैसे कि खेलने के लिए झूला वगैरह रहते हैं, उनको क्या करना है, आप चित्र निकालते हैं ना, तो चित्र निकालने के बाद आपको क्या करना है, उनको हिंदी में लिखना है। जैसे कि इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड रहता है ना, उसी तरीके से आपको हिंदी में लिखना है। जैसे कि मैंने एक वो इसका चित्र बनाया, स्कूल का चित्र। स्कूल में क्या है, बेंचेस है, बोर्ड है, टेबल है, डेस्क है, चेयर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे उस चित्रों को मैं नाम लिखूँगी कि मेज, कुर्सी, पेन, कलम, इस तरीके से मैं लिखते जाऊँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वो जो असाइनमेंट मैंने बताया है, प्रोजेक्ट बुक करके आपको अपने पास से रखना है, ठीक है। अगले क्लास में भी कुछ नया वाला सिखाऊंगी, तब तक के लिए ये पूरा कंप्लीट कर दीजिए। धन्यवाद।